राम राम दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुशील ठाकुर पहाड़ी में। सो आज दिन दूसरा गांव की दिनचर्या का, और सुबह से लेकर शाम तक की कैसे रहता है गांव में दिन, वो आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी है हम अपने गांव में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, गांव तनेड़ में, तहसील धर्मपुर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ का जो दिनचर्या हमने कल देखी है, सुबह सुबह एकदम पक्षियों की चहचहाहट और धूप निकल जाती है। शहरों में तो मौसम बिल्कुल ही उल्टा हो रखा है। अभी चंडीगढ़ में वहाँ पर तो बिल्कुल ही ठंडा है, धुंध है, और यहाँ पर तो जो है सुबह सुबह धूप धूप निकल जाती है अच्छी खासी, बिल्कुल बिल्कुल सुबह सुबह, और शाम को ठंड रहती है। बाकी दिन में मौसम बिल्कुल अल्टीमेट। अभी देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल धूप निकली हुई है। तो अभी हम जो है धूप अच्छी खासी निकली हुई है, तो कपड़े जो रखे हुए हैं, काफ़ी टाइम बाद घर आए तो जो कपड़े रखे हैं उनको सुखा देते हैं, आज अच्छे खासे सूख जाएंगे। कुछ अभी हमने डाल दिए हुए हैं बरांडे में, ये देख सकते हैं आप, सोफे वगैरह बाहर रख दिए हम, और ये रजाई वगैरह कुछ डाल दी हुई है, कुछ और डालने हैं अभी। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और देखते रहिए आगे गांव के दिनचर्या। तो अभी हम जो है यहाँ पर ब्रेड बॉक्स के जो कपड़े हैं उसमें डाले हुए थे वो निकाल रहे हैं, उनको अब धूप लगाएंगे क्योंकि सेधर पड़ जाता है अंदर के कमरों में बरसात के, तो काफ़ी टाइम बाद आए तो इन कार के अभी सुखाएंगे हम। तो दोस्तों, कुछ कपड़े हमने नीचे सूखने डाल दिए, कुछ मैं यहाँ ले आया हूँ ये छत में डालेंगे, और कुछ जो है हमने नीचे डाल रखे हैं, ये देख सकते हैं आंगन में, और ये मेरे पीछे का व्यू है। ओहो, मिलने रे कंबल ये थी पहनना भी पाई दी, सुखना नहीं पहनना अंदर साड़ी है ना। और यहाँ पर माता जी जो है धूप में ब्रेकफास्ट करते हुए बाहर एकदम छत में। सो दोस्तों, अभी मैं चल पड़ा हूँ सोसाइटी की तरफ, मतलब जहाँ पर राशन पानी मिलता है। तो गांव में हमें राशन मिलता है लेकिन हम बहुत कम लेके जाते हैं, लेकिन अभी आए हैं तो लेके चलेंगे, और थोड़ा सा पंचायत में काम है तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और साथ में ये देख लीजिए, ये मेरे सबसे छोटे चाचा जी का घर है, दादी जी यहाँ रहते हैं लेकिन दादी जी अभी कहीं गए हैं बाहर। और ये इनकी रसोई है, तो अभी चलते हैं आगे। पर जो है डायरी घर में यहाँ पर आ गए हैं, तो अभी मैंने ये सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और एक जन्म सर्टिफिकेट होता है वो मैंने दे दिया यहाँ पर भाई जी को, उन्होंने बोला कि अब चढ़ जाएगा नाम, और हम चलते हैं सोसाइटी की तरफ, हमारा राशन पानी ले लेते हैं थोड़ा सा। धार के मंदिर के नीचे हैं गांव में, और यहाँ पर अभी कुछ माल लेने जा रहे हैं। ये अपना एरिया यहाँ पर पूरा जंगल एरिया है, देख सकते हैं आप, ये तो साइड में लगते हुए वो भी हम यहाँ से निकल जा रहे हैं। मेरे काम है ऐसे ही आपको यहाँ का वातावरण देखते हैं तो मिलता रहेगा दोस्तों, और ये है यहाँ की डेली लाइफ। तो दोस्तों, अभी हम हैं स्क्रैन खड कहते हैं इसको यहाँ पर, और ये पूरा गांव स्क्रैन है यहाँ पर। अभी हम जो है मेरे साथ है ऋषु भंडारी, उनके साथ थोड़ा सा सामान लेने आए थे यहाँ स्क्रैन में, हमारा गांव तो कनेक्ट पड़ता है आपको, तो यहाँ आप गाड़ी में यहाँ पर आएंगे। ये यहाँ का वातावरण एकदम बिल्कुल शांत वातावरण है यहाँ पर, और हमने सामान अब ले लिया है बुआ के घर से, अब हम फिर अपने घर की तरफ वापसी की तरफ कनेड को चलेंगे। एक बंदा है कोई ऋषु का यहाँ का फ्रेंड, उसको वो भी आ रहा है, तो ये धर्मपुर जाएंगे दोनों, उसकी वेट कर रहे हैं, आया तो है नहीं बंदा तब तक। ये आप यहाँ का देख सकते हैं वातावरण का, इंजॉय करिए दोस्तों। अब यहाँ पर धूप चली गई है, तो अब हमने जो है कपड़े उठाने स्टार्ट कर दिए हैं, वापस से पैक करके अब इनको अंदर रख देंगे।
दोस्तों ये हमारे चाची जी पनीर रेड रहे हैं यहाँ पर गांव में, ऐसे जो है चारा पशुओं के लिए देखो चढ़ाई चढ़नी पड़ती है पेड़ में, तब जाके जो है पशुओं के लिए चारा तैयार होता है। जो यहाँ पर घास हमने काटी थी तो धूप अच्छी लगी थी वो बिल्कुल सूख गया था, तो आज हमने आग लगा दिया इसमें। ये दोस्तों लकड़ी है दो में अब सूख गई है, इसको थोड़ी सी बची हुई थी कल और इसको अब हम यहाँ पर रख देंगे। सो दोस्तों अभी रात का समय हो चुका है और मैं और माता जी यहाँ पर, और अब हम जो है डिनर की तैयारी, साथ में चूल्हा जला हुआ है ठंड का टाइम, और साथ में जो है डिनर आग के सामने।